सिंगरौली में भाजपा नेता ने अपनी ही पार्टी के नेताओं पर बड़ा आरोप लगाया है। पूर्व जिला उपाध्यक्ष प्रवीण तिवारी ने कहा कि देश विदेश के कई पावर प्लांटों में जाने वाला कोयला में मिलावट की जा रही है और माफियाओं के साथ इस कारोबार में बीजेपी के कई नेता और पदाधिकारी शामिल थे। जब मैंने इस मामले को उजागर करने के लिए पत्र लिखा तो जिला नेतृत्व ने मुझे अपने पद से हटा दिया, लेकिन मैं डरूंगा नहीं और आगे भी इसका विरोध करूंगा। पूर्व भाजपा जिला उपाध्यक्ष प्रवीण तिवारी ने कहा कि सिंगरौली में मिलावटी कोयले का खेल चल रहा है। कोयले में डस्ट मिलावट के नाम पर प्रतिदिन लगभग 20 से 30 लाख रुपए की चोरी की जा रही है। इस कोयला चोरी और मिलावट को लेकर मैंने प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और कोयला मंत्री को पत्र लिखकर अवगत कराया, तब कहीं जाकर एक महीने से कोयले में मिलावट का खेल रुका हुआ है। सिंगरौली जिले में कोयला चोरी में बड़े बड़े नामचीन नेता भी लिप्त हैं। मैं इन कोयला चोरों का पर्दाफाश करके रहूंगा। प्रवीण तिवारी ने कहा कि मैं कभी भी जी हजूरी वाला कार्य नहीं करता हूं। यही वजह है कि मुझे भाजपा जिला उपाध्यक्ष के पद से हटाया गया है। मिलावट खोरी के खिलाफ हमेशा आवाज उठाऊंगा। मरते दम तक मैं इस कारोबार को मोड़वा में सिंगरौली में चलने नहीं दूंगा, चाहे उसके लिए मुझे जो कीमत चुकाना पड़े मैं ये काम नहीं करूंगा। देखिए विभाग जो जो इस कारोबार में जितने विभाग आते हैं उस विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों के बिना सम्मिलित हुए ये कारोबार संभव ही नहीं। इस तरह के कारोबार करने वाले लोग किसी की बहुत ज़्यादा परमिशन की जरूरत महसूस नहीं करते, वो अपनी व्यवस्था से कारोबार करते हैं और कुछ लोग इसके संरक्षक हैं, वो भी कुछ दिन बाद आपके सामने प्रमाण सहित उजागर हो जाएगा। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।